Hello dear students, my name is Mahendra Jeevan. This video is for class 8 and this video belongs to your chapter number 1, that is the concept of computer networking. Okay, this video and next videos are related to your chapters, so you will be try to study deep and कॉन्शसनेस, बिकॉज वाट एवर जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वह इस बात में आपको एकदम ऐसे क्लास में खड़े होकर जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़ा रहा हूँ, और आप ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे क्योंकि इसी के बेस पर आपके चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का यूनिट टेस्ट लिया जाएगा. ओके, नाउ द टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्किंग. वाट इज नेटवर्किंग? एक मिनट के अगर मैं कंप्यूटर को बीच में रोकता हूँ तो अगर रियल लाइफ में हम नेटवर्किंग की बात करें तो हम नेटवर्किंग कहाँ देखते हैं? जैसे केबल नेटवर्क. केबल नेटवर्क का मतलब आपके केबल टीवी की बात कर रहा हूँ. एयरटेल का केबल नेटवर्क, वीडियोकॉन का, टाटा स्काई का, डिश टीवी का एंड मोर ओवर, ये एक नेटवर्किंग है. मतलब सारे टीवी जहाँ जहाँ, अगर मैं एक मिनट का मैं एग्जांपल लूँ टाटा स्काई, तो टाटा स्काई का जहाँ जहाँ कनेक्शन है और वह सैटेलाइट से जो जुड़ा हुआ है, तो जितने भी टीवी के यूज़र्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, चैनल के सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब ग्रुप बनाकर एक क्या बनेंगे? एक नेटवर्क बनेंगे. उसी तरीके से एयरटेल का बनेगा, वीडियोकॉन का बनेगा, और ये सब मिल करके भी एक और एक नेटवर्किंग बनाएंगे जो पूरे इंडिया के लेवल पर एक कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड केबल टीवी नेटवर्क. मतलब अगर इसको इस तरह से समझाएं तो पहला टाटा स्काई का नेटवर्क, दूसरा वीडियोकॉन का नेटवर्क, तीसरा आइडिया का नेटवर्क. मैं टेलीफोन की बात नहीं कर रहा, अभी कॉल की बात नहीं कर रहा, अभी टीवी केबल की बात कर रहा. टाटा स्काई, वीडियोकॉन, व्हाटएवर, तो ये सारे छोटे छोटे, अगर मान लीजिए मैं चार पांच से मैंने नाम आपको गिनाए, तो ये चार पांच अपने आप में एक नेटवर्क है. और जब ये पांचों मिलकर एक और ग्लोबल नेटवर्क बनाएंगे तो ये अपने आप में एक नेटवर्क हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल, रेलवे नेटवर्क. ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, स्टेट वाइज है, कंट्री वाइज है. एक स्टेट रेलवे नेटवर्क इंडियन गवर्नमेंट का है या किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन एक स्टेट में लोकल ट्रेन चलते हैं, उसका एक अलग नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क. वह लोकल नेटवर्क्स किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, उनकी आवाजाही इसी बात पर डिपेंड करती है कि वह एक इंटरनल स्टेट में ही, इंटर स्टेट में ही रहे. फिर इसके बाद से बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो स्टेट्स को, पूरे स्टेट्स के बाहर भी जाते हैं, जाती ही हैं. तो एक रेलवे नेटवर्क बना. फिर एक पोस्टल डिपार्टमेंट का नेटवर्क जो कि स्टेट वाइज भी है, कंट्री वाइज भी है, और अब्रॉड टू कंट्री भी है. क्या आप चिट्ठी अपने भाई बहन को या माता पिता को अमेरिका या कहीं और नहीं भेज सकते हैं? कोरियर नेटवर्क हो सकता है. तो ये भी एक नेटवर्क का एग्जांपल है, राइट? उसी तरीके से अब हम कंप्यूटर पर आते हैं. कंप्यूटर का नेटवर्क, जिस नेटवर्क की वजह से आज आप मुझसे रूबरू न होने के बावजूद भी मुझसे पढ़ ले रहे हैं, दैट इज नेटवर्क. मैं अपना वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ अपने घर में बैठ के, फिर इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, YouTube चैनल को डाल करके उसके बाद से उसके लिंक्स आपके टेलीग्राम पर या WhatsApp पर शेयर करूँगा. आप वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर जाकर के उस लिंक पर कवर करेंगे, और एक नेटवर्क की मदद से, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट इज ऑल्सो ए नेटवर्क, ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेटवर्क, इसलिए कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके, तो नेटवर्क का आज मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया है. अब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, मतलब कि कितने तरह नेटवर्किंग आपके क्लास में डिस्कस करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे. इसीलिए इस तरह के इस क्लास को बॉदर नहीं लेना है, हेवी नहीं लेना है. कोई सवाल करना है तो आप अगर पर्सनल मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी प्लेटफॉर्म पर सवाल कीजिए अपना नाम लिख करके और क्लास लिख करके कि सर ये इस टॉपिक पर मुझे समझ में नहीं आ रहा. खैर, जिस आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है, इसीलिए इस समय मैंने लैंग्वेज को बाउंड नहीं किया है कि मैं इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में बताऊं, क्योंकि अगर क्लास में होता तो शायद जितनी बातें भी मैं कह गया चार मिनट में, उतने में कई क्वेश्चंस अराइज हो सकते थे.
लेकिन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने पढ़ाया वही बेस्ट है। मैं ये कभी नहीं मानता, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कभी नहीं मानते। यहाँ मुद्दा ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि नहीं, यहाँ मुद्दा ये है कि आपको समझ में आता है कि नहीं। तो नॉर्मल वे में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि जिस तरीके से और नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, कोरियर नेटवर्क्स, जैसे ये नेटवर्क किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है या कैसे उस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क सामने होते हुए भी या नहीं होते हुए भी हम उस चीज़ को कैसे यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हम अगले क्लासेस, अगले वीडियोस में देखेंगे, और आप इस वीडियो को उसी तरीके से लेंगे जैसे क्लासेस लेते हैं, बिकॉज इन्हीं क्लासेस के, इन्हीं वीडियोस के बेस पर आपका यूनिट टेस्ट 1 होगा। तो अगर आपने किताबें ले ली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनके पेजेस मैं आपको अपलोड करवा दूँगा ताकि आपको क्वेश्चंस लिखने में और याद करने में बनेगा। तो जब ये वीडियो, 2-3 वीडियो जब अपलोड मैं कर दूंगा, उस चैप्टर को पूरा कवर कर दूंगा, तो उसके बाद से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपके चैप्टर के क्वेश्चंस। हो सकता है कि मैं इन जितनी बातें समझाया हूँ उसमें से कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको लिखवा दूँ, तो स्क्रीन पर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको पहुँच करके अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में नोट करके याद करेंगे, उन्हीं बेस पर मैं आपके क्वेश्चंस अराइज करूँगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी, जय हिंद।